इतने कम समय के अंदर आप लोग यहां हैं। सुबह से जब से बोर्ड पढ़ना शुरू हुआ है उसकी तैयारी से लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय से सूचनाएं दे रही है, समय समय पे इलेक्शन कमीशन को टैग कर करके जो शिकायतें उनको लगातार चुनाव आयोग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुबह से जो शुरुआत हुई, पहले तो एजेंट बनने को लेकर के दिक्कतें रहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से बोर्ड पढ़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीटों की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ना उसे दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ना उसे दिखाई दे रहा है ना सुनाई। बीजेपी ये चुनाव बोर से नहीं खोर से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव बोर से नहीं खोर से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा डटे रहें और वोट डालकर ही आए। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है। वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पर चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा आंदोलन में राइस होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें, जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं।
तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जिस जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चों, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेगी, कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात फिर कहता हूं, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। और मेरी सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दो बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी बेईमानी करना चाहते हैं, वोट डालने के लिए रोक रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से हमें आश्वासन मिला है तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा और जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। और सुनने में यह भी आ रहा है कि खासकर मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी, बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी, फिरोजाबाद, वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है। बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155, इन पर जो पीठासीन अधिकारी है जो बैठे हैं, हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि थोड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288 और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है जो है, ये हारने वाले डरे हुए हैं इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी, खासकर पुलिस के, जो वोटर्स को रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब रिपोल तो नहीं, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। रिपोलिंग नहीं, पहले तो पोलिंग कर लो, वोट डलवा लो अपना। और आप भी अगर सच नहीं दिखाओ तो एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। याद होगा जालौन में पत्रकार पीटे थे कपड़े उतार कर, इन्हीं की सरकार में। अरे मैं तो बता रहा हूँ, बीजेपी वाले वो लोग हैं जो खुद गड़बड़ करा रहे हैं। आप वीडियो देखिए, किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ का वीडियो हो तो बता दो हमें, ये कौन से वीडियो दिखाई दे रहे हैं? ये सब वो बूथ हैं जहां समाजवादी पार्टी का वोट है, बीजेपी के वोटर खुद नहीं निकल रहे हैं। और इस तरह का व्यवहार अगर प्रशासन का लोकतंत्र में देखेंगे, ये बाबा साहब का, भीम अंबेडकर जी का दिया हुआ हमें अधिकार है कि जहां एक वोट डालने का मौका मिलता है, अगर यही अधिकार छीना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी नहीं निकलेंगे, वो भी वोट डालने समाजवादियों के पक्ष में निकल पड़ेंगे। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली थी, इसकी तरफ से
कभी समाजवादी पार्टी इसका नहीं, जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है, आपको नहीं समझ में आता इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो कि कौन बेईमानी कर रहा होगा। बीजेपी खुद बेईमान कर रहे हैं, बेईमानी। इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने, इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें, क्या इन्होंने विकास पर वोट मांगा?